मेरे साथ जो आई हुई टीम है, नंबरदार है गमामा का, गुलाम का, गुलाम हसन बट, और आप मेरे सारे अजीज जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जितने बातें यहाँ हाजी हबीबुल्लाह साहब ने की, इनसे सभी वाकिफ हैं, मैं भी वाकिफ हैं। आप खत्म कर रहे हैं, बहुत सियासत चली यहाँ, बहुत दौर देख। लीडर नहीं हूँ मैं, आपका भाई हूँ, खादिम हूँ। आप मुझे कभी भी फोन कीजिए, 24 घंटों में से कभी भी आपका भाई आपको हाजिर मिलेगा। ये हम यहाँ से आए, पहले रोड की तरफ चला गए, हमारी हालत गाड़ियों की वो हो गई जैसे कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कि वो आदिवासी का दौर, पुराना दौर, ऐसे 200 साल पहले। और जब एमएलए एमएलसी इनकी बात करते हैं, सबसे ज्यादा योगदान तो ओरा का है, रेशवाड़ी का है, मनवन का है, सबसे ज्यादा योगदान इन लोगों का है। कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमें नजरअंदाज किया है, हम सियासी शिकार हुए, सियासी इस्तेसाल हमारे साथ हुआ है। ये हमारे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ है। हमारा मानना यह है, जब कोई वर्कर किसी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में आता है, वो अपने सारे दरवाजे बंद करके आ जाता है। कोई पीडीपी का दरवाजा बंद के आया, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का दरवाजा बंद करके आया, कोई पीसी का दरवाजा बंद करके आया। फिर ये आप अपनी, पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने अपनी पार्टी की दावत कबूल कर ली, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात, हमारे लिए, हमारे कायद के लिए बहुत फख्र की बात। जब हम अपनी उसूलों और उनके अखलाकों से मुतासिर हुए, हाजी हबीबुल्लाह साहब को कोई सियासत करने की जरूरत नहीं, या मेरे नंबरदार साहब, कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ये जो मजलूम कौम है हमारी, ये दिन ब दिन पीछे होती जा रही है। जो लीडर है हमारे नाम नहाद लीडर, जो अपने आप को लीडर बताते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं, जो कभी मिनिस्टर रहे हैं, जो कभी कुछ बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, उन्होंने इस इलाके को नजरअंदाज किया है। लेकिन सारा कसूर मैं उनका नहीं मानता, कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी। आज वो फिर निकले हैं, आज कोई तीसरी किताब लेके निकले हैं। अरे जब आप लोगों ने तब काम नहीं किया जब आपके पास पावर था, आप क्या करोगे? खुदा के लिए मुझे बताओ, जब किसी के अकाउंट में 50 करोड़ रुपया था गवर्नमेंट का लोगों को बांटने के लिए, उसने अपने रिश्तेदारों में वो बांट लिया, तो आज क्या करेगा वो? आज आपको, आपके पास आ रहा है, कभी किसी को इस तरह इस बात से फुदला रहा है, कभी जब उसको किसी को ठेका देना था उसने अपने रिश्तेदार को दे दिया। इन बातों को हमने सीरियसली सोचा है। एक हम यहाँ पे आए, हम बात करेंगे, फिर आप निकल जाओगे, मैं निकल जाऊंगा, आपने ज्वाइन किया अपनी पार्टी में, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला। मैं वसूकन आपको कहूंगा, जब तक न हम ये आवाज घर घर पहुंचाएंगे, जितने भी लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां यहां रही है, उन्होंने करप्शन, उन्होंने हमारा सत्यानाश किया है, हमने आम आदमी तक ये बात पहुंचानी है, क्योंकि वोट डालने वाला अमीर नहीं होता है, वो गरीब भाई हमारा होता है। ओके कि नहीं? और आज के डेट में रोड की हालत वो है जैसे ये आज ही नक्शे पे आया है ये रिश्वाड़ी। अगर इनको सिर्फ अपना हिस्सा मिल गया होता, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के पास जो हिस्सा रहता है, अगर इनको सिर्फ अपना हिस्सा मिल गया होता, ये शक्ल आज यहाँ की नहीं होती, शक्ल कुछ और बयां करती। What was?